हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल दिल बोले गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो आपका गुलाब का प्लांट है या रोज प्लांट, आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सर्दियाँ जैसे आने ही वाली हैं, और जो सर्दियों में आपका जो रोज़ का प्लांट होता है वो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर का जो मंथ होता है वो आपका रोज़ प्लांट की जो आप अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो वो आपके लिए बेस्ट माना जाता है। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास भी एक रोज़ का प्लांट है। ये मैंने 2 साल पहले ये प्लांट लिया था और मैंने इसकी कटिंग कर दी, इसकी प्रूनिंग कर दी है। तो अब ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी रुक गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लांट की जो है मिट्टी को चेंज किया जाए। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रोज़ प्लांट की मिट्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। और जो मिट्टी बनाएंगे वो आपकी बहुत ही पूरी आपकी न्यूट्रिशन से भरपूर होगी, जिससे कि आपका जो प्लांट होगा ये एकदम से आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप ये देख सकते हैं इसमें बर्ड्स भी आई हैं, ये आप देखिए इसमें नई बर्ड्स आई हैं। तो इसलिए, और मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो ये बिल्कुल मैंने इसको कट कर दिया है, और क्योंकि ये मेरा प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक बार मिट्टी को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि 2 साल से एक ही पॉट में लगा है। और ये आप इसकी मिट्टी देखिए, इसमें अब बिल्कुल मैंने इसे 2-3-4 दिन पहले मैंने इसमें पानी देना बंद कर दिया था ताकि मैं इसको अच्छे से रिपोर्ट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ये मेरे पास जो एक रोज़ का प्लांट है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे आप अपने जो रोज़ के प्लांट की आप मिट्टी है उसको कैसे आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया है ये मिट्टी है, या मेरी गार्डन सॉइल है, और ये जो है मेरा आपका ये गोबर की खाद है, या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह, या आप अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है आपका सैंड, यानी कि या बालू जो रेत होता है आपका, मैंने रिवर सैंड होती है मैंने वो ली है। और ये मेरे पास, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मगर मेरे पास अभी कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने कोकोपीट नहीं लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट का उसको भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास जो है, अब मैं इसकी क्वांटिटी तो आपको बता देता हूँ, क्वांटिटी मैंने कितनी ली है। ये मेरे पास आपका 40% आपकी ये गार्डन सॉइल है, और 30% आपका ये मेरे पास सैंड है, और ये मेरे पास आपका 30% ही मेरे पास आपकी ये जो है गोबर की खाद है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी जो आपकी मिट्टी है आप उसको कैसे बहुत अच्छे से आप उसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने जो प्लांट है मैंने इसको बहुत अच्छे से निकाल लिया है, और मैंने इसकी बिल्कुल भी जो रूट को है वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की आप रूट्स, तो ये आप देखिए आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको जो है सही, इसकी जो पूरी रूट्स है आप जो मिट्टी है उसकी अच्छे से निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने बिल्कुल इसकी जो मिट्टी है पुरानी मिट्टी उसको सबको निकाल लिया है, और जो इसकी आप रूट्स देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हेल्दी रूट्स हैं। तो इसलिए मैंने इसके 2 साल मेरा प्लांट्स लगा हुआ था, तो मैंने 2 साल से इसकी मिट्टी नहीं चेंज की थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें अब अक्टूबर का मंथ आ गया है और इसकी जो मिट्टी को चेंज किया जाए। या तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास जो पॉट है ये मेरे बिल्कुल एकदम रेडी है। और सबसे पहले आपका जो ड्रेनेज, आप ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आपका ये जो ड्रेनेज होल है आपका अच्छे से होना चाहिए। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये आपके एक जो टिकरी होती है ये, इसकी आप कोई भी आपका पुराना गमला हो आप उसकी टिकरी को ऐसे रखिए, आप उसकी टिकरी को ऐसे मत रखिए, क्योंकि इसे अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये आपकी जो नीचे ड्रेनेज होल है वो आपका बंद हो जाएगा। आप हमेशा अपने जब भी पॉट की आप ये चीज़ रखते हैं टिकरी, तो आप इसको हमेशा ऐसे रखिए ताकि जो आपका ये पोर्शन है ये आपका नीचे रहे, जिससे कि आपका जो ड्रेनेज है आपका वो बंद ना हो। ये आप देखिए, ये मैंने ऐसे रख रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने रख दिए। और अब हम इसके नीचे थोड़ा सा सूखे पत्ते की एक लेयर बिछाएंगे। हमने क्रश करके इसमें सूखे पत्ते की एक लेयर बिछा दी है, और अब हम मिट्टी को मिक्स करेंगे।
देखिए हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है और अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें और मिक्स करनी है जिससे कि आपका जो प्लांट है वो एकदम अच्छे से ग्रोथ करे। और मैं आपको बताऊँ कि आपको दो तीन चीज़ कौन सी ऐड करनी है इसमें जिससे कि आपका जो प्लांट है ये आपका रोज़ प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे। सबसे पहले तो मैंने इसमें थोड़ा नीम की खली को मिलाया है। नीम की खली का क्या है, इससे आपके जो प्लांट्स की जो फंगस है इसमें कोई भी बैक्टीरिया या आपका कोई भी इसमें आपकी डिसीज़ को ये आपका प्लांट जो है हमला नहीं करेगा। ये मैंने इसमें नीम की खली को मिलाया है और अब इसमें मैं थोड़ा इसमें बोनमील जो मैं ऐड करूँगा। बोनमील क्या है, आपको प्लांट को जो बिल्कुल न्यूट्रिशन से भर देगा। ये मैंने इसमें थोड़ा सा बोनमील मिलाया है, ये आप देखिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास सिंगल सुपर फास्फेट, थोड़ा सा आप इसको ऐड कीजिए, आपका 4-5 ग्राम के करीब आप इसको ऐड कीजिए जिससे इससे क्या होता है आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो आपकी बहुत जल्दी से होगी। इसमें आप एक ही जगह को और ऐड कर सकते हैं, ये मेरे पास है थोड़ा सीवीड। सीवीड क्या करेगा, आपका जो प्लांट्स है आपको उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा और ये माइक्रो न्यूट्रिशन होता है जिससे कि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है और जो आपकी फ्लावरिंग है वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से आएगी। इसमें वाटरिंग कर सकते हैं और वाटरिंग करके आप इसको सेमी शेड में रखिए जिससे कि आप इसको डायरेक्ट अभी सनलाइट में मत रखिए क्योंकि आपने अभी इसको प्लांट को रिपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स यही था, हमने जो अपने रोज़ प्लांट को जो रिपोर्ट किया है और हमने आपने देखा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई है जिससे कि हमारा जो प्लांट रोज़ का प्लांट है ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने आप देख सकते हैं, हमने अपने रोज़ के जो प्लांट्स है उसको हमने रिपोर्ट कर दिया है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।